और अब आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर। आज सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री वहीं पर हैं। 6 तस्वीरों में समझिए आज का ये दौरा कितना अहम है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों स्वागत के लिए खड़े थे। IIT ग्राउंड पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया 6000 लोगों को प्रधानमंत्री का ये संबोधन, जिसमें यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कोरोना काल में किस तरीके से जंग जैसे हालात और उससे निपटे, और इसके अलावा लोगों से बातचीत मुलाकात, सीएम योगी का भी अभिनंदन और बनारस को प्रधानमंत्री की सौगात। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा इस नजरिए से भी कि यूपी में चुनाव भी है। कुमार अभिषेक, मीनाक्षी स्टूडियो से ना जुड़ बोल रहे हो कुमार अभिषेक। बिल्कुल हाँ, ना जो देखिए, ये बेहद ही अहम दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 कार्यक्रम अपने पूरे कर लिए हैं। पहले उन्होंने IIT ग्राउंड जो है BHU का, वहां लोगों को संबोधित किया है। उसके बाद मातृ शिशु केंद्र जो कि BHU के भीतर है वहां गए हैं, उसे अपग्रेड किया गया था, प्रधानमंत्री ने उसे देखा है। और वहां कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर और नर्सेस थी उन सब से मुलाकात की है, उनके साथ संवाद किया है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है रुद्राक्ष, वहां पहुंच रहे हैं और उनके आगे का कार्यक्रम हुई है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने यहां बातें कही हैं, उसमें सबसे अहम बात, उन्होंने कोरोना के इस दौर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और उनकी जो तारीफ की है, ये एक बड़ा सियासी मायने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्योंकि आप याद करिए, अभी कुछ दिन पहले बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, तरह तरह के बदलावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली तक गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उन्हें कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री कहा है और कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कोरोना सबसे बुरे दौर में था, तब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, ये सबसे बड़ी बात है और ऐसा कहीं और नहीं हुआ। उन्होंने बहुत जबरदस्त तारीफ की है, तो इसे सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में न सिर्फ चेहरा बल्कि आगे के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक तरीके से उनके नाम को आगे कर दिया है। तो कुल मिलाकर इसके सियासी मायने काफी ज्यादा हैं। और दूसरी बात ये की जाए कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सौगातों की एक झड़ी दी है, लगाई है, ये माना जा रहा है कि आज से उनका चुनावी अभियान भी शुरू हो चुका है।